सब कुछ दे दिया, मतलब खाने के बाद सब कुछ दे दिया, अगर पान मिल जाता मीठा तो शायद और ज्यादा मजा आता। छह साल पहले एक बात सुनी होगी, छह क्या लगभग 6.5 साल पहले, चलो अच्छे दिन आने वाले हैं। हाँ, तो वो जो वादा था वो सिनेमा की दृष्टि से कुछ कुछ खरा उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे अच्छे फिल्म मेकर्स आ रहे हैं जो अच्छा सिनेमा बना रहे हैं, और जो हबड़ तबड़ मची रहती थी कि कुछ ऐसी फिल्में थी जिनको स्क्रीन नहीं मिल पाती थी पुराने टाइम पे, वो मामला हो गया बिल्कुल ख़त्म। आप डाल दो ये नेटफ्लिक्स पे, अच्छा खासा पैसा मिलेगा और बहुत बड़ी आपको ऑडियंस मिल जाएगी। तो कुल मिला के बात है, अच्छे दिनों की बात करते हो, अच्छे सिनेमा की बात करते हो, आगे बढ़ते हैं। तो जो वर्तमान हमारी फिल्म है जिसको हम चर्चा करने जा रहे हैं, उसको नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है। नेटफ्लिक्स क्या है, 90% से ज़्यादा अच्छा कंटेंट लेके आता है हमेशा। एक आध चीज़ मिसफायर कर जाए तो अलग बात है, अदरवाइज बहुत बेहतरीन कंटेंट के लिए नेटफ्लिक्स को जाना जाता है। लॉकडाउन क्या लगा, OTT प्लेटफॉर्म वालों के मजे आ गए। हालांकि शूटिंग बीच में बंद रही तो कंटेंट का अकाल पड़ा। कुछ ऐसी फिल्में जो OTT से पहले की हैं, कुछ ऐसी वेब सीरीज या ऐसा काम जो OTT से पहले का, वो भी OTT पे आपको देखने को मिल सकता है। उनमें से कुछ हमने रिव्यू किए भी हैं, लाइक सोनार पहाड़ हमने किया है, और इसके अलावा आप देखेंगे तो आपको बाकी चीज़ें मिल जाएंगी जो OTT से पहले का है। तो फाइनली वर्तमान फिल्म की बात करते हैं। नाम है पगलैट, डायरेक्टर हैं इसके उमेश बिस्ट, और सिनेमाटोग्राफर है रफ़ी महमूद, और प्रोड्यूसर है गुनीत मंगा, शोभा कपूर, एकता कपूर, बालाजी मोशन पिक्चर और सिखिया एंटरटेनमेंट ने इसको फिल्म को बनाने में सहयोग किया है। उमेश बिस्ट ने ही इसकी कहानी लिखी है और स्क्रीन प्ले भी उन्हीं का है। भाई 2 घंटे की फिल्म है लगभग, और इतनी स्वीट है मन करता है कि ये चलती रहे थोड़ा और, मतलब और चले और दिखा दे अगर 15 मिनट हमें कुछ एक्स्ट्रा तो मज़ा आ जाता। कि क्या जिंदगी में कुछ रिमार्केबल चेंज आए हैं हमारे जो मुख्य पात्र कहानियों के उनके, और वो चेंजेस आए हैं तो क्या है। ऐसी जगह पे जाके फिल्म को ख़त्म किया है, मन में कसक सी रह जाती है, लगता है अरे यार 10 मिनट और दिखा देते, चमत्कार कर देते। हमारी आदत है चमत्कार देखने की, वो चमत्कार छूट जाए तो मज़ा नहीं आता। मतलब सब कुछ दे दिया, मतलब खाने के बाद सब कुछ दे दिया, अगर पान मिल जाता मीठा तो शायद और ज़्यादा मज़ा आ जाता। तो कहानी पे आएंगे, उससे पहले टाइटल पे आते हैं। पगलैट मतलब, चल पगलैट, अरे वो पगलैट है, अरे पागल है। पगलैट मतलब एक किसी और दुनिया पे, मतलब फिजिकली हमारे तुम्हारे जैसे ही रहेगा बट उसका मन कहीं और पे है। मतलब तो उस दिमाग दिमाग से रेफरेंस है, तो दिमाग कहीं और लगा हुआ है। मतलब नॉर्मल आदमी और नॉर्मल दुनिया की दुनियादारी उसको इतनी आसानी से समझ नहीं आती। तो हमारे जो मुख्य पात्रा हैं उनके साथ भी यही हो गया है कि उनके साथ जो हादसा हुआ उसके बाद से वो पगलैट जैसा बिहेव करने लगी। लोगों को लग रहा है कि ये सनक गई है दुख में बेचारी, तो उसके दुख को दूर करने का कोई साधन हमें नजर आ नहीं रहा है फिल्म के दौरान। तो ये उसकी अपनी यात्रा है जिसको वो खुद से डिस्कवर करेगी। बात करते हैं पात्रों की, तो आपको मिलेंगी सान्या मल्होत्रा, उसके साथ आपको मिल जाएंगी इसमें श्रुति शर्मा नाजिया किरदार में, सान्या मल्होत्रा जो है संध्या के किरदार में, साइनी गुप्ता आकांक्षा के किरदार में, आशुतोष राणा शिवेंद्र गिरी के किरदार में, शिवा चड्डा, राजेश तैलंग, इसके अलावा रघुवीर यादव, आसिफ खान, अनन्या खरे, मेघना मलिक, बहुत बड़ी कास्ट है, और लास्ट में नकुल, सहदेव, ये सारे लोग हैं जो फिल्म में आपको अलग अलग जगह नजर आएंगे। तो मुख्य पात्रा जो है हमारी वो है संध्या, जिनकी 6 महीने पहले शादी हुई और हो गया है उनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा। उनके पति का नाम बताया गया फिल्म में आस्तिक, जिन्हें कभी भी दिखाया नहीं गया, और आस्तिक की एक गर्लफ्रेंड है आकांक्षा जो साइनी गुप्ता जिस किरदार को प्ले कर रही है। बहुत सारी अच्छी बातों को दिखाते हुए सबसे पहले मैं हाईलाइट कर देता हूँ उनमें सबसे अच्छा काम किसका है। सान्या मल्होत्रा अपने करियर का बेस्ट काम दे रही है। दंगल में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम दिया था, लेकिन वो एक तरीके थोड़ी सी मसाला टाइप फिल्म थी, लेकिन उसके बाद फोटोग्राफ में भी उनका काम बहुत अच्छा था। बेचारी बोलती नहीं फोटोग्राफ में, और फोटोग्राफ के बाद यहाँ पे उनका काम जबरदस्त है, बहुत बेहतरीन काम है। लेकिन उनसे भी अच्छा अगर किसी ने काम किया है इस फिल्म में तो वो मुझे लगे आशुतोष राणा। आशुतोष राणा ने दुश्मन के बाद क्या काम किया है, मतलब रोते हुए बाप की वो शक्ल दिखा रहे हैं ना, मतलब वो बेहतरीन एक्टर है। मुझे लगता है तो उन्हें केवल गुस्सा ही आता है, वो केवल ऐसी आंखें बड़ी बड़ी करके दिखा पाते हैं, लेकिन नहीं भाई उनके अंदर क्या मजा आ गया, चाम है। मतलब मैं डाई हार्ट फैन हो गया उनका, मतलब पहले से पसंद कर रहा था, उनका काम लगातार कम आ रहा था। इससे पहले आपने उनकी फिल्म देखी होगी, बताओ कौन सी देखी थी, मैं बता रहा हूँ सोच रही है, भी उनका काम मुझे अच्छा लगा था, लेकिन वो वाला गुंडे मवाली वाले पुलिस वाले किरदार उतना मुझे मजा नहीं आता। यहाँ पे जो जिस ग्राउंड पे उन्होंने खेला है ना वो बहुत बेहतरीन है। रघुवीर यादव सर औसम काम, मतलब मजा आ गया उनके काम में। राजेश तैलंग है, शिवा चड्ढा मैम का जो काम है लगातार उनका बहुत बेहतरीन काम है, देखने को मिलता जा रहा है। एक उनके पास रेंज है, मतलब जो माँ का किरदार है या जो बुआ का किरदार है वो उन्हीं के लिए बनाया है, मतलब वो कुछ
कुछ भी दिखा सकती हैं उसमें, मतलब शी नोज हर जॉब. आपने उनको ताजमहल में भी देखा हो, ताजमहल में भी देखा हुआ. इसके अलावा जमील खान का भी इसमें इंपॉर्टेंट किरदार है, और कोई किरदार मैं छोड़ तो नहीं रहा, सारे किरदार मैं लगभग ले ही चुका हूँ. नाजिया करके एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है जो श्रुति शर्मा प्रस्तुत कर रही है, और उस किरदार के जरिए से कहानी अलग एक टर्न लेती है. तो जो नाजिया किरदार है उसकी एंट्री और वो छोटी छोटी चीज़ें दिखाई गई है कि कप अलग आना और बाकी कामों से उसको अलग रखना, और फाइनली जहाँ फिल्म ख़त्म भी करते हैं वहाँ पर भी एक मैसेज के साथ ख़त्म होती है कि तुम भी एक आहुति दे सकते हो. तो मतलब इससे पहले बहुत बवाल हो चुका था, लाइक फिल्म आई थी अपने असुटेबल बॉय उसको लेकर पंगा हुआ था, वहाँ पंगा करने वाले एक तरफ के लोग थे, लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ के लोगों को दिक्कत है. एक तरफ के लोगों को दिक्कत है कि हमारे रिचुअल्स में तुमने घुसाया कैसे, और दूसरी तरफ के लोगों को दिक्कत ये हो सकती है कि हमारे उनके रिचुअल्स में हमें क्यों घुसाया. ठीक है, तो मामला यहाँ बैलेंस नज़र आ रहा है, पर ये उमेश बिस्ट का मतलब लेखन कौशल ही कहा जा सकता है दिखाने के अलावा, कि उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण बात को इतनी सरलता के साथ हमें दिखा दिया. कहानी क्या है वो आपको देखनी पड़ेगी, मज़ेदार है इसकी मैं गारंटी लेता हूँ. ये फिल्म मेरी वन ऑफ द बेस्ट फिल्म साबित, मतलब मैं अपनी बेस्ट फिल्म की जो सूची है उसमें इसको शामिल कर रहा हूँ. एक प्रसंग है छोटा डिस्कस कर देते हैं कि होता क्या है कि जब आदमी मर जाता है तो उसके 13 दिन तक वो अपने घर के आसपास भटकता रहता है, देन ही कन्वर्टेड टू प्रेत, प्रेत बनता है. उसके बाद उसके कर्मों के हिसाब से उसको स्वर्ग या नर्क भेजा जाता है. तो एक हुआ ऐसा कि एक आदमी था बड़ा पापी, बुमराइजर, अत्याचारी, बड़ा अलग तरीके का. जब वो मर गया तो यमलोक, यमदूत उसे यमलोक लेके पहुंचे, तो वहाँ यमराज उसको बोले कि इसको नरक में भेजो, इसके खौलते तेल में इसको डाल दो और काटो, इसको मारो, इसको मतलब यातनाएं दो. मीनवाइल क्या होता है, उसकी डेड बॉडी है वो अभी भी धरती पर पड़ी थी. तो दो गिद्ध आते हैं और वो एक बोन एक गिद्ध लेके उड़ जाता है, तो दूसरा गिद्ध भी फाइट करने लगता है, यार मेरे को भी दे, मेरा शेर है. मीनवाइल वो गंगा के ऊपर पहुंचते हैं और गंगा जी में वो हड्डी गिर जाती है. बाप रे बाप, यंग लोग में हड़कंप मच जाता है, कड़कड़ त्राही माम. क्या हुआ कि मतलब कि जिसको अभी आपने सजा दी है वो तो गंगा जल, गंगा जी में प्रवाहित हो गई उसकी अस्थियाँ. तो और तो यमराज को अपना डिसीजन पलटना पड़ा और तुरंत उस आदमी को स्वर्ग भेजना पड़ा. सबसे जो इम्पॉर्टेंट हाईलाइट था इसका कि ईमानदार रहें अपने परिवार के साथ. पहली बात तो ये है कि अगर आप अपनी पति पत्नी के साथ ईमानदार हैं और एज अ फैमिली बहू को अपने सास ससुर के साथ, या फिर बेटे को अपने माँ बाप और पत्नी के साथ, और पत्नी को पति के साथ, भाई को भाई के साथ, भाभी के साथ, भाभी को देवर के साथ, ईमानदारी बहुत ज़रूरी है. बुरा वक्त तो आएगा, इसकी तो मैं गारंटी लेता हूँ, और हमेशा आता रहता है. बट एज अ फैमिली अगर आप यूनाइटेड रहेंगे तो वो बुरा वक्त बहुत हल्के हल्के तरीके से कट जाएगा. ये इसकी सबसे बड़ी बात थी. दूसरी बात, मतलब अगर आप किसी को माफ़ करना सीख लेते हैं तो उससे आपका मन बहुत हल्का होता है और दूसरे आदमी को जो है बहुत ज़्यादा शांति मिलती है. सान्या मल्होत्रा के बेहतरीन काम के साथ, आशुतोष राणा के मतलब एक अलग लेवल पे की गई उनकी एक्टिंग के बाद, उमेश बिस्ट के बेहतरीन डायरेक्शन के बाद, बाकी सारी टेक्निकलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए मेरे जैसा एक आम इंसान इसको बहुत बेहतरीन फिल्म मानता है और उम्मीद करता है कि आप इसको ज़रूर देखेंगे. और ये एक डार्क कॉमेडी फिल्म इसको रखा गया है इसमें, बट डार्क जैसा कुछ नहीं है. हाँ, मतलब कुछ सीन्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको हंसी आएगी और बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं जहाँ पे आपकी आंखों में आंसू आएंगे. मेरे साथ दोनों ही तरीके की चीज़ें हुई. एक बकवास फिल्म देख के आने के बाद, उसका रिव्यू करने के बाद, एक अच्छी फिल्म देखना, दोनों को मैंने एवरेज कर लिया. हमारी कहानी आपको कैसी लगी आप हमें बता सकते हैं. पसंद आए तो लाइक, अदरवाइज डिसलाइक करें, बट इन सब के बीच में पगलैट ज़रूर देखें. हमारी अगली कहानी तक गुड बाय.